तो फ्रेंड जैसे आप फूड ट्रायल के लिए जाते हैं और खाने को सर्व करते हैं, तो कहीं भी स्टार्च जो आइटम है उसको आप रख देते हैं, कहीं भी वेजिटेबल जो आइटम है उसको आप कहीं भी रख देते हैं, और मेन कोर्स जो आइटम है उसको भी आप कहीं भी रख देते हैं प्लेट में। तो प्लेट में खाने को कैसे सर्व करना जब आप फूड ट्रायल के लिए जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में भी ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कि खाने को स्टैंडर्ड तरीके से प्लेट में कैसे रखा जाता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और ये आपके लिए एक नई नॉलेज है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। सबसे पहले आप एक प्लेट लीजिए, प्लेट को घड़ी जैसे होती है क्लॉक वाइज उसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए, जैसे 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock और 9 o'clock। आपका ये वॉच जो है उसके अपने माइंड में फिक्स करने के बाद में अब 3 o'clock से लेके 9 o'clock का जो टाइम होता है, 3 o'clock से 9 o'clock वो पीरियड में, वो टाइम के साथ में आपको, यानी कि वो टाइम के बीच में आपको मेन कोर्स का रखना है। उसके बाद में 9 o'clock से लेके 11 o'clock का जो 2 आवर्स का टाइम वहां पर दिखता है, उस जगह पे आपको स्टार्च आइटम जैसे पटैटो है या और भी कुछ है तो वो स्टार्च आइटम आपको वहां पर रखना है। उसके बाद में 11 o'clock से लेके 3 o'clock के बीच में जो टाइम बचता है वहां आपको वेजिटेबल रखना है, और सॉस आपको कहीं भी डाल सकते हैं, सॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है हम लोगों को खाना सर्व करने का, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मेन कोर्स आपको कहाँ रखना है, 3 o'clock से लेके 9 o'clock के बीच में रखना है, और स्टार्च आपको 9 o'clock से लेके 11 o'clock रखना है, और 11 से लेके 3 o'clock तक आपको वेजिटेबल रखना है। अगर ये आपको मालूम था कमेंट्स कीजिए, और नहीं मालूम था नई नॉलेज है आपके लिए तो भी कमेंट्स कीजिए, तो मैं देखता हूँ कितने लोगों को ये आपको मालूम था। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।